दोस्तों, इस बार शाओमी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर रेडमी 5 के लिए भी फ्लैश सेल का चक्कर चलाया तो, क्योंकि रेडमी 5 के टाइम पे क्या था, हमारे पास कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं था जो कि रेडमी 5 को पूरी तरह टक्कर दे पाए। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑनर बिल्कुल रेडी है रेडमी 5 को कॉम्पिटिशन देने के लिए। रेडमी 5 को टक्कर देने के लिए ऑनर का एक ऐसा फ़ोन आने वाला है जो किसी भी मामले में कम नहीं है रेडमी 5 से, बल्कि कई ना कई मामलों में रेडमी 5 से भी बेटर है। दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑनर सी की, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है और कुछ ही वक्त में इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। ऑनर 7C में आपको इतना कुछ मिल रहा है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे रेडमी 5 और ऑनर 7C, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऑनर 7C को लेना ज्यादा पसंद करोगे रेडमी 5 के कंपैरिजन में। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, प्राइस की अगर बात करें तो दोनों ही फ़ोन बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन हैं, अलग अलग स्टोरेज वेरियंट के साथ आते हैं। 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और Redmi 5 का 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्टोरेज का तो ठीक है, आपको दोनों ही फ़ोन में अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन Honor 7C में आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, मतलब डेडिकेटेड स्लॉट भी आपको मिलता है, जो कि इस फ़ोन का हाईलाइट फीचर है। जबकि Redmi 5 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, या तो आप इसमें ड्यूअल सिम लगा सकते हैं या एक सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। दोनों ही फोन में जो दूसरा फर्क है वो है दोनों ही फोन का डिस्प्ले। दोनों ही फोन का डिस्प्ले 18:9 का ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क है स्क्रीन साइज का। Honor 7C का स्क्रीन साइज बड़ा है Redmi 5 के कंपैरिजन में। Redmi 5 में आता है 5.7 इंच का डिस्प्ले और Honor 7C में 5.99 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें तो Redmi 5 में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन मिलती है, और Honor 7C में डिस्प्ले प्रोडक्शन के लिए कौन सा ग्लास यूज किया गया है उसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार Honor ने अपना किरिन प्रोसेसर यूज नहीं किया है। Honor 7C में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 450 प्रोसेसर Adreno 506 GPU के साथ। सेम प्रोसेसर आपको Redmi 5 में भी मिलता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको दोनों ही फोन से कोई शिकायत नहीं होगी। कैमरा की ओर नजर डालें तो Honor 7C में आपको रियर में ड्यूअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 450 के साथ बहुत ही अच्छी बात है। जो कि रियर कैमरा है इस फोन का 13+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा के लिए डेडिकेटेड फ्लैश नहीं मिलती है Honor 7C में, लेकिन आपको इसमें मिलता है स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन। Redmi 5 की बात करें तो आपको इस फोन में रियर में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, जो डेडिकेटेड LED फ्लैश के साथ आता है। अब Honor 7C का कैमरा कैसा परफॉर्म करेगा, Redmi 5 से बेटर होगा या नहीं होगा, ये हमें आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। बिना Honor 7C को चेक किए ये कहना मुश्किल होगा कि किसका कैमरा अच्छा होगा। बैटरी की बात करें तो Redmi 5 में आती है 3300 mAh की बैटरी, जबकि Honor 7C में आपको दी गई है 3000 mAh की बैटरी। अब यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी तो थोड़ी कम है Honor 7C में, लेकिन इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो मिलता है EMUI 8 के साथ, जो कि ये अच्छी बात है। जबकि Redmi 5 में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड नोगट मिलेगा, जो एक पुराना सॉफ्टवेयर हो चुका है MIUI 9 के साथ। इसके अलावा Honor 7C में फेस अनलॉक का भी फीचर्स मिलता है, जो कि Redmi 5 में अभी तक फेस अनलॉक का फीचर्स नहीं दिया गया है। तो बेसिकली यहां पे Honor 7C के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि Redmi 5 को कंपटीशन दे सकते हैं, जैसे कि बड़ी स्क्रीन साइज मिलती है, लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर्स मिलता है, रियर साइड पे आपको ड्यूअल कैमरा का सेटअप दिया गया है। तो ये कंप्लीट पैकेज मिलता है Honor 7C में। अगर आपको Redmi 5 नहीं मिलता है फ्लैश सेल में, तो Honor 7C भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ 2018 में Redmi 5 और Honor 7C दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा पॉपुलर होगा, और अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फ़ोन लेना हो तो आप कौन सा फ़ोन लेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।